हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक लो बन हेयर स्टाइल, जो कि मैं लेटे लेटे मेरे दिमाग में आया कि ये हेयर स्टाइल कैसे बनेगा। तो मुझे कुछ डिफरेंट सा, कुछ नया सा मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना अपने बालों को एक पोनी बना लेनी है। ओके, पोनी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको हाई बनानी है लो बनानी है, आप उसके अकॉर्डिंग जैसी आपको चाहिए वैसे आप बना लीजिएगा। ओके, पोनी को थोड़ा सा टाइटली बनाना है, ज़्यादा लूज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पोनी बना ली है। अब बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जो ऊपर का हेयर है उसको ऊपर छोड़ेंगे और जो हमारा नीचे का हेयर है, ये वाली पोनी को नीचे की तरफ ऐसे रख के और क्लिप से सेट कर देंगे, ताकि हेयर स्टाइल अच्छे से बन पाए हमारी। ओके, दो पिंस लगा लीजिएगा। उसके बाद ये वाला हेयर ओपन करेंगे और इसको सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। कल मैंने शेयर किया था 5 यूनिक एंड क्यूट से फ्रंट हेयर स्टाइल, तो वो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। तो इस तरीके से ट्विस्टिंग करने के बाद से जो आपका ये पोनी है, इसको इस क्लिप के पास से ले जाते हुए यहाँ पे यू पिन से सेट कर लेना है। और एक यू पिन, ये वाला जो हमारा उठा हुआ पार्ट होता है, इसको ऐसे दबा के और यहाँ पे लगा लिया जाएगा। ओके, अभी जो नीचे वाले हेयर बचे हुए हैं इनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अच्छे से फ्लैट कॉम करते हुए जो आपने ये बन बनाया हुआ है इसके चारों तरफ ऐसे लपेटेंगे। और नीचे की तरफ लाके सिंपली यू पिन से सेट कर देंगे। फिर दूसरे साइड के भी हेयर को इसी तरीके से लेके जाएंगे और दूसरी साइड से लाएंगे और यू पिन से सेट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का बन यहाँ पे बन के हमारा रेडी हो गया है। काफ़ी अच्छा दिखता है और छोटे बालों में भी ये काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाएगा और बड़ा सा बन बन जाएगा। अगर बड़े बाल हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छा लुक आएगा। और फ्रंट से कुछ इस तरीके से खींच लेंगे, आप मिरर में भी ध्यान दीजिएगा, और लेयर्स निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपके बहुत ज़्यादा बेबी हेयर हैं तो आप जेल या फिर हेयर स्प्रे का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, क्योंकि एलोवेरा जेल हमारे बालों को नुकसान भी नहीं पहुँचाता है और अच्छी अच्छी ब्रांड का आप हेयर स्प्रे लोगे तो वो भी अच्छा रहता है। तो ये देखिए, ये मेरे पास हेयर स्प्रे भी है, ये वाला हेयर स्प्रे, ये भी काफ़ी अच्छा है, आपके बालों को अच्छे से सेट कर देता है और लंबे टाइम तक आपके बाल वैसे ही सेट रहते हैं। तो इस तरीके से अगर बेबी हेयर निकल रहे हैं तो आप लेके इस तरीके से जेल लगा के कॉम कर दो तो अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये बन का फाइनल लुक है। तो कैसा लगा आज का बन हेयर स्टाइल वीडियो? आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल आपको देखनी है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अपने माइंड से कुछ सोचूं और डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर। इंस्टा आईडी PreetiBhai24 है, जो मेरा सेकेंड चैनल है उसका नाम है सिलाई कोच PreetiBhai, तो उस चैनल पर भी जरूर जाइएगा। बाय बाय।